हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ मैजेस्टिक क्लासेस। आज हम करेंगे रिलैक्सेशन मेथड टू सॉल्व साइमल्टेनियस लीनियर एल्जेब्राइक इक्वेशंस। दिस इज़ अ न्यूमेरिकल मेथड टू सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड दिस इज़ एन इनडायरेक्ट मेथड। तो सबसे पहले हम इसमें प्रोसेस क्या रहता है वो देखते हैं इस मेथड में। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो एंड शेयर माई वीडियोज़। सो लेट स्टार्ट। फर्स्ट इसमें इसकी हम मैथडोलॉजी करते हैं कि रिलैक्सेशन मैथड कैसे वर्क करता है। सपोज आपके पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है, तीन आपके पास नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस हैं एक्स वाई एंड जेड वेरिएबल्स में। तो सबसे पहले हमें रेजिड्यूअल्स फाइंड आउट करने होते हैं आर वन, आर टू एंड आर थ्री। आर वन देखिए क्या होता है, ये अगर आपकी इक्वेशन है तो बी वन माइनस, सब टर्म्स को राइट पर ले जाएंगे तो आर वन आता है। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन में बी टू और इन सब टर्म्स को राइट पर ले जाएंगे तो आर टू रेजिड्यूअल होता है एंड आर थ्री की वैल्यू होती है बी थ्री माइनस, इन सब टर्म्स को हम राइट पर ले जाएंगे तो ये आपके आर वन, आर टू एंड आर थ्री होते हैं इसके अंदर। फिर हमें एक इनिशियल अप्रोक्सीमेशन लेनी होती है, उसके बाद इनिशियल अप्रोक्सीमेशंस में हमें एक्स वाई और जेड तीनों की वैल्यूज़ को जीरो पुट करना होता है। तो आर वन में जब आप एक्स वाई और जेड तीनों को जीरो पुट करोगे तो सिर्फ बी वन बचेगा, आर टू की वैल्यू हमारे पास बी टू बचेगी एंड आर थ्री की वैल्यू बी थ्री बचेगी। जब आप एक्स वाई जेड तीनों को जीरो पुट कर देंगे तो आर वन, आर टू और आर थ्री आपके पास ये बन जाएंगे। इसके बाद हमें इसमें एक ऑपरेशन टेबल बनानी होती है। देखिए ऑपरेशन टेबल कैसे बनती है, इसके बाद एक ऑपरेशन टेबल हम बनाएंगे वेयर डेल एक्स वन, डेल एक्स टू एंड डेल एक्स थ्री। सबसे पहले नोटेशंस देख लेते हैं। डेल एक्स वन जो होता है वो एक्स के अंदर जो आप इंक्रीमेंट देते हैं, एक्स वाई जेड या जो भी वेरिएबल आपने यूज़ किए हैं, एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, यहाँ हमने एक्स वाई और जेड यूज़ किए हैं तो ये आपके इंक्रीमेंट हो जाएंगे एक्स वाई एंड जेड। एक्स डेल एक्स इंक्रीमेंट होता है एक्स के अंदर, डेल वाई होता है इंक्रीमेंट या चेंज इन वाई एंड डेल जेड डिनोट करता है इंक्रीमेंट और चेंज इन जेड। और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जब आप डेल एक्स में एक्स में कोई चेंज या इंक्रीमेंट करते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आर वन, आर टू और आर थ्री में चेंज होता है वो आपका डेल आर वन, डेल आर टू और डेल आर थ्री को डिनोट करता है। तो फर्स्ट अगर जब हमने इनिशियल अप्रोक्सीमेशंस ली, जब आप यूनिट चेंज करते हैं वन की डेल एक्स में, एक्स में जब आप वन का इंक्रीमेंट करते हैं डैट मीन्स डेल एक्स अगर आपका वन है तो जब आप इसमें वन का इंक्रीमेंट करते हैं तो इनिशियल अप्रोक्सीमेशन एक्स ज़ीरो था। जब आप एक्स को वन लोगे उसमें वन का इंक्रीमेंट करोगे तो एक्स वन बन जाएगा। जब आप इस इक्वेशन में आर वन में क्या चेंज आएगा, अगर एक्स वन, एक्स में वन का चेंज आया है तो आर वन में कितना चेंज आएगा, बी वन माइनस दिस बिकम्स वन, बी वन माइनस ए वन वन, ऑल दीज आर ज़ीरो। सो आर वन में कितना चेंज हुआ, आर वन आपके पास था बी वन, अब हो गया है बी वन माइनस ए वन वन। तो सिर्फ चेंज काउंट करना हो तो चेंज तो सिर्फ यही हुआ है माइनस ऑफ ए वन वन, तो आपने ऑपरेशन टेबल में यहां पर लिखा माइनस ए वन वन, मतलब जब डेल एक्स में चेंज हुआ वन तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आर वन में चेंज हुआ ये। सिमिलरली जब एक्स में चेंज हुआ वन तो आर टू में क्या चेंज हुआ है, देखिए आर टू में कॉरेस्पॉन्डिंगली हम एक्स को वन पुट करेंगे तो बी टू माइनस ए टू वन वैल्यू आएगी। तो चेंज क्या हुआ, पहले बी टू था सिर्फ, अब माइनस ए टू वन उसके अंदर चेंज हुआ है, दैट मीन्स डेल आर टू में माइनस ए टू वन का चेंज हुआ है। सिमिलर डेल आर थ्री में माइनस ए थ्री वन का चेंज हुआ है। जब डेल वाई को वन पुट करेंगे फिर वाई में इंक्रीमेंट अगर वन लेते हैं तो एक्स और जेड जीरो होंगे तो चेंज आपके पास माइनस ऑफ ए वन टू का आएगा। देखिए आर वन में जब आप वाई को वन लेते हैं तो बी वन माइनस ए वन टू बचेगा, ये दोनों जीरो, तो बी वन माइनस ए वन टू डेट मीन्स चेंज क्या हुआ, माइनस ए वन टू का। सिमिलरली आर टू में चेंज आएगा माइनस ए टू टू का एंड आर थ्री में माइनस ए थ्री टू का, ये चेंजेस आ जाएंगे हमारे पास। सिमिलरली जब आप डेल जेड को वन लोगे तो चेंजेस क्या आएंगे, जेड को वन, तो आर वन में क्या चेंज आएगा, बी वन माइनस ए वन थ्री, आर टू में बी टू माइनस ए टू थ्री एंड आर थ्री में बी थ्री माइनस ए थ्री थ्री। दैट मीन्स ये तीनों चेंजेस आएंगे आर वन, आर टू एंड आर थ्री में, कॉरस्पॉन्डिंगली चेंजेस हमने यहाँ लिख दिए हैं। तो देखिए आप यहाँ से देखेंगे तो आपको यहाँ से आइडिया भी हो जाएगा कि ये जो है कॉफिशियंट मैट्रिक्स अगर हम यहाँ पर बनाएं एक्स वाई एंड जेड में तो माइनस ए वन वन, माइनस ए वन टू, माइनस ए वन थ्री ऐसे है और यहाँ पर हमारी है माइनस ए वन वन, माइनस ए वन टू, माइनस ए वन थ्री।
दैट मीन्स यहाँ से अगर आप एक्स वाई जेड की कोफिशियंट मैट्रिक्स बनाते हैं तो उसका जब ट्रांसपोज लोगे तो वही वैल्यू ये मैट्रिक्स बनेगी आपकी, माइनस ए वन वन, माइनस ए वन टू, माइनस ए वन थ्री। तो आप क्वेश्चन में डायरेक्ट भी बना सकते हैं, वैसे मेथड मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद हमें एक रिलैक्सेशन टेबल बनानी होती है, तो रिलैक्सेशन टेबल का प्रोसेस हम न्यूमेरिकल से ही समझेंगे डायरेक्ट, उसी से आपको वो अच्छे से समझ में आ पाएगा। तो रिलैक्सेशन टेबल से फिर आपको वहाँ उसका प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक आपके पास ज़ीरो के नियरर वैल्यूज़ नहीं आ जाती हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट में जितने भी x में इंक्रीमेंट हुए वो सब ऐड करेंगे तो x की वैल्यू आएगी, y के इंक्रीमेंट्स को ऐड करेंगे तो y की वैल्यू, एंड z के इंक्रीमेंट्स को ऐड करेंगे तो z की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए क्वेश्चन से शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए, हमारे पास तीन इक्वेशंस गिवन है, तो सबसे पहले हमें रेजिडुअल्स डिफाइन करने हैं। R1 की वैल्यू मैंने आपको बताया था, इसको यहाँ रखेंगे 50, बाकी सब टर्म्स को राइट पर ले जाएंगे तो सबके साइन आपके चेंज हो जाएंगे। फिर R2 हमारे पास बनेगा 18 माइनस एक्स माइनस 5y प्लस 3z, इन सबको राइट पर ले गए। R3 बनेगा आपके पास 19, इन सबको राइट पर लेके जाएंगे, प्लस का 2x माइनस का 2y एंड माइनस का 7z। ये R1 R2 R3 आपके पास रेजिडुअल्स आ गए। इसके बाद हमें ऑपरेशन टेबल बनानी होती है। देखिए ऑपरेशन टेबल अब हम बनाएंगे, तो ये आपकी ऑपरेशन टेबल हो गई जिसमें यहाँ पर x में इंक्रीमेंट देंगे 1 का, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग R1 R2 और R3 में जो चेंजेस आएंगे वो हम यहाँ लिखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, अगर आप x में 1 का चेंज देते हैं, जब आप x की वैल्यू यहाँ 1 पुट करेंगे, तो इससे पहले देखिए एक बार हम इनिशियल अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू और पुट कर लेते हैं। जब आप x, y और z तीनों को 0 पुट करेंगे तो R1 आ जाएगा आपके पास 50, R2 आ जाएगा 18 एंड R3 विल बी 19। तो देखिए अब देखिए यहाँ पर अगर आप x में 1 का इंक्रीमेंट करते हैं तो R1 में क्या चेंज आएगा, 50 माइनस 9 आएगा, जबकि R1 आपके पास 50 है, तो चेंज कितना हुआ माइनस 9 का। फिर आप ऐसे ही R2 में अगर x को 1 इंक्रीमेंट देते हैं तो 18 माइनस 1, तो 18 हमारे पास था R2, उसमें क्या चेंज हुआ माइनस 1 का, तो यहाँ माइनस 1 लिखेंगे। फिर R3, इसमें x को अगर आप 1 पुट करते हैं तो कितना चेंज होगा, 19 प्लस 2, जबकि पहले 19 था, दैट मीन्स 2 का चेंज हुआ है। जो जो चेंज होगा वो हम यहाँ लिखते जाएंगे। फिर हम y में इंक्रीमेंट देते हैं 1 का, तो x और z 0 रहेंगे, तो यहाँ पर फर्स्ट R1 में जब 1 का इंक्रीमेंट देते हैं तो वैल्यू आएगी 50 प्लस 2, तो दैट मीन्स 50 में 2 का इंक्रीमेंट हुआ है, तो 2 यहाँ आएगा। फिर इसमें y को 1 पुट करेंगे तो 18 माइनस 5, तो माइनस 5 यहाँ आएगा, 19 माइनस 2, तो माइनस का 2 आएगा। फिर ऐसे ही हम z में इंक्रीमेंट देंगे 1 का, तो R1 में चेंज आएगा 50 माइनस 1, दैट मीन्स चेंज क्या हो गया माइनस 1। R2 बन जाएगा 18 प्लस 3, तो चेंज हुआ 3 का। R3 में 19 माइनस 7, दैट मीन्स चेंज हो गया माइनस 7 का। तो अभी मैंने आपको बताया भी था, इसके लिए शॉर्टकट क्या है कि ये जो मैट्रिक्स है एक्स वाई जेड की कोफिशियंट मैट्रिक्स जो इसमें बनती है उसका ट्रांसपोज यहाँ आता है, माइनस 9 2 माइनस 1, माइनस 1 माइनस 5 3 2 माइनस 2 एंड माइनस 7, ठीक है। अब इसके बाद हमें बनानी है एक रिलैक्सेशन टेबल। तो रिलैक्सेशन टेबल के लिए देखिए आपको बहुत ध्यान से देखना है रिलैक्सेशन टेबल हम कैसे बनाएंगे। ये अभी हमने ऑपरेशन टेबल, रिलैक्सेशन टेबल के लिए हमने यहाँ पर एक टेबल बना ली है जहाँ यहाँ पर R1, R2 और R3 की वैल्यूज़ हम लिखेंगे, और यहाँ पर हम सबसे पहले रो के अंदर x, y और z को जब आप इनिशियल अप्रोक्सीमेशन 0 देते हो तो R1 की वैल्यू हमारे पास आई थी 50, की वैल्यू आई थी 18 एंड R3 की वैल्यू आई थी 19। तो x, y, z अगर आप 0 पुट करते हैं तो R1, R2, R3 की वैल्यूज़ ये आएंगी। अब आपको देखना है वो नंबर इन तीनों में जो सबसे बड़ा है, जो नंबर सबसे बड़ा है, या आप ये कहें कि जीरो से जितना दूर है जो नंबर, उसको आपको सबसे पहले रिड्यूस करना है। तो यहाँ पर देखिए 50 जो है वो इन तीनों में सबसे बड़ी वैल्यू है, जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा है उसको लेना है। तो 50 यहाँ सबसे बड़ा है तो 50 को रिड्यूस करना है। अब ये क्योंकि R1 का नंबर है तो हमें जब R1 में कोई, जब हम R1 में कुछ चेंज करना चाहते हैं तो हमें x में इंक्रीमेंट करना होगा, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर आपको इंक्रीमेंट करना है x में,
ठीक है, जब आर वन की बात करेंगे तो एक्स में, आर टू की आर टू में कोई चेंज करना है तो वाई में इंक्रीमेंट होगा, और आर थ्री में चेंज करना है तो जेड में। तो आर वन में या इंक्रीमेंट हमें चेंज करना है तो हम एक्स में इंक्रीमेंट देंगे। तो एक्स में देखिए क्या इंक्रीमेंट देंगे, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आर वन में जब आप एक्स में इंक्रीमेंट देते हैं और आर वन में देते हैं कोई चेंज आना है, तो यहाँ से देखिए ऊपर वाली टेबल से, ऑपरेशन टेबल में उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सी वैल्यू है, डेल एक्स में और आर वन में माइनस, यहाँ पर माइनस नाइन है, ठीक है। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको माइनस नाइन को यूज़ करना है, आर वन और डेल एक्स। तो डेल एक्स का कॉलम ये रो ये है और आर वन का कॉलम ये है, दैट मीन्स आपको माइनस नाइन को यूज़ करना है। माइनस नाइन को आप किससे मल्टीप्लाई करें कि आपके पास ये 50 के नियर वाली वैल्यू बन जाए। तो देखिए अगर आप इसमें डेल एक्स में 5 इंक्रीमेंट देते हैं तो आपको जो यहाँ वैल्यू है उसको इससे मल्टीप्लाई करना है जो इस कॉलम में है। 5 और 9 का मल्टीप्लिकेशन माइनस का 45 हो जाएगा ये, और 50 जो ये है उसमें इसको ऐड कर देना है, तो वैल्यू आएगी आपके पास 5, ठीक है। देखो जो यहाँ पर आपको वो नंबर लेना है, डेल एक्स की जगह पर वो नंबर आएगा जिससे आप इसको मल्टीप्लाई करें तो इसमें ऐड करने पर स्मॉल वैल्यू आए, जितनी ज़्यादा छोटी आप यहाँ पर वैल्यू ला सकते हैं उतनी आए। तो अगर आप इसको 6 से मल्टीप्लाई करते तो 9 6 या 54 हो जाता आपके पास, और 50 माइनस 54 माइनस 4, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, बट आंसर 5 भी यूज़ कर सकते हैं और वो भी, क्योंकि दोनों ही वैल्यूज़ बहुत छोटी हो जाती हैं, उसके बाद वैल्यूज़ बड़ी आएंगी आपकी। तो आप 6 भी यूज़ कर सकते थे, माइनस 5 किया है तो उससे भी हो जाएगा आपका क्वेश्चन आंसर हो सकता है। इसमें थोड़ा बहुत वेरी करे सबका, लेकिन हो जाता है। तो डेल एक्स में अब हमने इंक्रीमेंट दिया है 5 का, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आर वन में चेंज आ गया 5, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग अब आपके पास आर टू और आर थ्री में भी चेंज आएंगे। डेल एक्स अगर आपने 5 लिया है तो अब आपको पूरी रो, जो ये वाली रो है ऊपर, इस पूरी रो को आपको मल्टीप्लाई करना होगा इस डेल एक्स से। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सेकेंड आर टू के इंक्रीमेंट को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 5 हो जाएगी वैल्यू, और फिर यहाँ 18 में से माइनस 5 करेंगे तो आएगा आपके पास 13। फिर इस नंबर को 5 को आप आर थ्री वाले कॉलम के एलिमेंट से भी लेंगे, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, एंड 19 प्लस 10 29, हमें ऐड करना है नंबर्स को, ये ध्यान रखना है आपको, तो ये 29 आ गया है आपके पास। अब देखिए इन तीनों में बड़ा नंबर कौन सा है, 5, 13 एंड 29, तो 29 ऑब्वियसली बड़ा है यहाँ पर हमारे पास। तो अब आपको चेंज किस में लाना है, आर थ्री में, इसको रिड्यूस करना है। डैट मीन्स कॉरेस्पॉन्डिंगली जब आर थ्री में आपको रिड्यूस करना हो तो हमें इंक्रीमेंट जेड में देना होता है, चेंज जो है वो जेड में आएगा। अब जेड में क्या चेंज आएगा, तो देखिए यहाँ से आपको देखना है कि जब आपका ये 29 आर थ्री में है, आपको डेल जेड में चेंज लाना है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन सा होगा, आर थ्री और डेल जेड। तो देखिए डेल जेड तो ये है और आर थ्री का कॉलम ये है, डेट मीन्स माइनस 7 आपको अब यूज़ करना है। माइनस 7 को आपको किससे मल्टीप्लाई करें कि 20 उसको, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि आप इसको डिवाइड कर दीजिए। अगर आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 28 बन जाएगा, 29 माइनस 28 1 हो जाएगा, तो रिड्यूस हो जाएगा बिल्कुल स्मॉलर नंबर में। तो यहाँ हम डेल जेड को 4 ले लेते हैं। आप ऐसे देख सकते हैं कि इसको आप किससे मल्टीप्लाई करें कि इसमें ऐड करें तो वो बहुत स्मॉल वैल्यू आए। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 7 को माइनस 28 आएगा, 29 माइनस 28 1 बन जाएगा। तो देखिए लेकिन जब आप इस पूरे को, लेकिन जब आप इंक्रीमेंट डेल जेड में दे रहे हैं तो थ्रू आउट सब में चेंज आएगा, आर वन आर टू और आर थ्री तीनों में चेंज आएगा। तो 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4 आएगा। अब यहाँ 5 था बचा हुआ था, माइनस 4 करेंगे तो वैल्यू आ गई 1। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 को 3 से तो 12 आएगा, यहाँ 13 ऑलरेडी था, इसमें 12 ऐड करेंगे तो 25 बन जाएगा। फिर इस 4 को माइनस 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 28 आएगा। अब 29 यहाँ था, इसमें से माइनस 28 करेंगे तो वैल्यू आएगी 1। तो देखिए ये स्मॉल हो गया बिल्कुल नंबर। अब तीनों में बड़ा कौन सा है, आपका 25। अब आपको इसको रिड्यूस करना है, तो इसको रिड्यूस करने के लिए आर टू में है ये, तो हमें वाई में चेंज लाना होगा, वाई में इंक्रीमेंट देंगे हम। तो देखिए वाई में क्या इंक्रीमेंट देंगे यहाँ पर हम, अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग डेल वाई और आर टू में एलिमेंट आप ऊपर से ऑपरेशन टेबल में देख लीजिए, डेल वाई और आर टू
कॉलम में एलिमेंट है माइनस फाइव. माइनस फाइव को किससे मल्टीप्लाई करें कि 25 में ऐड करने पर जीरो आए, तो ऑब्वियसली फाइव से ही करेंगे. तो डेल वाई को हम यहाँ फाइव ले लेते हैं इंक्रीमेंट. तो अब देखिए कॉरेस्पॉन्डिंग वाई के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते जाएंगे पूरी रो के, फाइव टू टेन. वाई को फाइव लेंगे तो इस पूरी टेबल को फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे, फाइव टू जो टेन. टेन को वन में ऐड करेंगे तो वन प्लस टेन इलेवन बन जाएगा. फिर इस फाइव को माइनस फाइव से इससे मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास, तो 25 हो जाएगा. 25 यहाँ पहले से था, माइनस का 25 करेंगे तो दिस बिकम्स ज़ीरो. एंड फाइव को माइनस टू से करेंगे तो माइनस टेन. वन ऑलरेडी था, माइनस टेन किया तो माइनस नाइन आ गया. अब देखिए तीनों में सबसे बड़ा है 11. अब हम 11 को हमें रिड्यूस करना है, तो इसको रिड्यूस करने के लिए क्योंकि आर वन में है तो हमें एक्स में कुछ चेंज करना होगा. तो देखिए अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग डेल एक्स और आर वन में ऊपर एलिमेंट देखिए, डेल एक्स और आर वन ऑपरेशन टेबल में देखेंगे तो हमारे पास ये एलिमेंट है माइनस नाइन. डेट मीन्स आपको ये देखना है कि माइनस नाइन को किससे मल्टीप्लाई करें कि आपका 11 में ऐड करने पर छोटी वैल्यू आए. तो इसका मतलब माइनस नाइन को अगर आप यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास 11 माइनस नाइन टू हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा. तो यहाँ हम इंक्रीमेंट x के अंदर 1 का इंक्रीमेंट ले लेते हैं. तो ऊपर से देखिए अब टेबल में माइनस नाइन है, यहाँ पर माइनस नाइन को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास बनेगा माइनस नाइन. तो 11 माइनस नाइन हो जाएगा 2, यहाँ पर रिड्यूस हो गया ये. फिर सेकेंड एलिमेंट यहाँ पर है माइनस वन, माइनस वन को वन से करेंगे तो माइनस वन आएगा. ज़ीरो यहाँ था, ज़ीरो माइनस वन हो जाएगा माइनस का वन. फिर वन यहाँ है, टू यहाँ है ऊपर, तो टू से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, टू वन ज़ा टू, माइनस नाइन प्लस टू डैट बिकम्स माइनस सेवन. अब देखिए टू माइनस वन और माइनस सेवन, इसका मतलब अब हमें किसे रिड्यूस करना है, माइनस सेवन को. देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि टू को नहीं करना, वैसे तो टू इन तीनों में बड़ा नंबर है क्योंकि पॉजिटिव है, ये दोनों नेगेटिव हैं. बट हमें मैग्नीट्यूड देखना है, या आप ये देख सकते हैं कि ज़ीरो से कौन कितनी दूर है. तो ज़ीरो से दूरी अगर आप नंबर लाइन पर देखें तो टू ज़ीरो के नियरर है देन माइनस सेवन, तो आप माइनस सेवन को रिड्यूस करेंगे. अब यहाँ ये ध्यान रखने की बात है, अब आर थ्री में है तो डैट मीन्स चेंज आपका जेड के अंदर आएगा. तो अब देखिए आर थ्री और जेड, इसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा एलिमेंट लेना है हमें जेड में और आर थ्री में, तो माइनस सेवन को यूज़ करना है. तो माइनस सेवन को ऑब्वियसली वन से, माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये सेवन बन जाए और इस माइनस सेवन में ऐड होकर ज़ीरो बन जाए. तो यहाँ हमें डेल जेड में माइनस वन का इंक्रीमेंट लेना है या चेंज लेना है. तो देखिए अब माइनस वन, डेल जेड में माइनस वन है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे पूरे रो से तो माइनस वन प्लस का वन हो जाएगा. टू यहाँ ऑलरेडी था, प्लस वन करेंगे तो ये थ्री हो गया. फिर माइनस वन को यहां डेल जेड में है थ्री, तो माइनस थ्री हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे. माइनस वन ऑलरेडी था, माइनस थ्री दैट मींस माइनस फोर आ गया. फिर माइनस वन का इधर माइनस सेवन से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव सेवन आएगा, और माइनस सेवन यहां ऑलरेडी है, पॉजिटिव सेवन ऐड करेंगे तो दिस बिकम जीरो. तो ये भी स्मॉल हो गया. अब देखिए थ्री माइनस फोर और ज़ीरो, तो ऑब्वियसली हमें माइनस फोर को रिड्यूस करना है. अभी मैंने जैसे बताया था आपको लॉजिक, तो माइनस फोर ज़ीरो से ज़्यादा दूर है बजाय थ्री की बजाय, तो हम माइनस फोर को रिड्यूस करेंगे. डैट मीन्स चेंज आएगा आपका वाई के अंदर. ये प्रोसेस आपको तब तक करते जाना है जब तक आपकी सारी वैल्यूज, तीनों की तीनों वैल्यू ज़ीरो के नियरर नहीं आ जाती. अब ये दोनों वैल्यूज़ तो बड़ी हैं, ये तो ज़ीरो के नियरर आ गई है, तो हमें प्रोसेस अभी करना है आगे. तो डेल वाई, अब देखिए आर टू और डेल वाई के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा एलिमेंट आएगा आपकी ऑपरेशन टेबल में, डेल वाई और आर टू में माइनस फाइव. तो माइनस फाइव को किससे मल्टीप्लाई करें कि आपका माइनस फोर में ऐड करने पर स्मॉल वैल्यू आए, तो 0.8 से करेंगे, माइनस का 0.8. आप चाहें तो 5 को इससे डिवाइड करके भी देख सकते हैं, 5 को 4 से, तो कितना आएगा 0.8. तो माइनस का 0.8 लेंगे यहाँ पर हम इंक्रीमेंट ऑफ y के अंदर. क्यों लेंगे अभी आपको देखिए, क्योंकि आप अगर यहाँ पर है माइनस फाइव ऊपर डेल y के अंदर, माइनस फाइव को माइनस के 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव 4 आएगा, और माइनस फोर और पॉजिटिव फोर आपका ज़ीरो बन जाएगा यहाँ पर, तो ये रिड्यूस हो जाएगा. फिर अब पूरी रो को करना है तो ऊपर यहाँ फर्स्ट में टू है तो टू को माइनस 0.8 से करेंगे तो माइनस का 1.6, एंड थ्री में माइनस 1.6 जब हम करेंगे तो हमारे पास आएगा 1.4.
अब माइनस का 0.8 है और थर्ड एलिमेंट ऊपर वाई में है माइनस टू, तो माइनस टू से माइनस 0.8 को जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.6 आएगा पॉजिटिव, और ज़ीरो यहाँ था, ज़ीरो में 1.6 को अगर आप ऐड करेंगे तो ये 1.6 आ जाएगा हमारे पास। सिमिलरली ये प्रोसेस हमें तब तक करते जाना है। देखिए नेक्स्ट 1.6 को रिड्यूस करना है हमें, तो इंक्रीमेंट जो है वो जेड में होगा, चेंज जो भी होगा तो जेड में चेंज देखिए कितना होगा। इसके कॉरस्पॉन्डिंग अब हमारे पास जेड में चेंज लाने के लिए यहाँ 1.6 है R3 में और जेड में, ऑपरेशन टेबल में देखते हैं R3 में और जेड में एलिमेंट है -7, तो -7 को 1.6 से डिवाइड करेंगे तो 0.23 आएगा। 0.23 को डेल जेड की टेबल से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 1/1 और यहाँ ऊपर वाले रो के एलिमेंट से ऐड करेंगे, तो 0.23 को यहाँ -1 से करेंगे तो माइनस का 0.23 इसके अंदर ऐड कर दिया, 1.17 आया। फिर 0.23 को ऊपर हमारे पास 3 है, 3 से मल्टीप्लाई किया 0.69, -7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.61, ऊपर वाले टेबल्स में सबको ऐड करेंगे तो यहाँ ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब सिमिलरली 1.17 को रिड्यूस करेंगे तो ये मैंने यहाँ तक रिड्यूस किया है। आप चाहें तो वैसे तो इस स्टेप पर भी आपके पास ये वैल्यू 0, ये 0.56 एंड 0.27 आ गई है, बट ये वैल्यू फिर भी हाफ से थोड़ी सी ज़्यादा है, तो 0 कितनी नियरर रही है, तो हम एक बार और इसमें चेंज करेंगे तो आपके नेक्स्ट लेवल पर जो वैल्यू है 0.2240 एंड 0.46, तो सब वैल्यूज वेरी क्लोजर टू 0 आ गई हैं, तो आगे करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपका आंसर देखिए कैसे निकलेगा, जितने भी इंक्रीमेंट एक्स के अंदर हुए हैं उन सबको ऐड करना है आपको, तो वो तो आपकी एक्स की वैल्यू आएगी, एक्स में जितने भी इंक्रीमेंट हैं। तो देखिए एक्स में इंक्रीमेंट है आपके पास यहाँ से देखते जाएँ 5 है, फिर 1 है और फिर है 0.13, डैट मीन्स टोटल आ गया आपके पास 6.13। ये तो आपकी x की वैल्यू हो जाएगी, y की वैल्यू होगी इंक्रीमेंट इन y। तो देखिए क्या वैल्यू बनेगी, y के अंदर क्या क्या इंक्रीमेंट हुए हैं ऊपर टेबल में 5, फिर माइनस का 0.8 और फिर प्लस का 0.112, डैट मीन्स जब सबको सॉल्व करेंगे तो 4.31 ये आपकी वाई की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली जेड की वैल्यू होगी इन समेशन ऑफ डेल जेड, जितने भी जेड में इंक्रीमेंट हुए हैं सबको ऐड करेंगे, तो जेड में देखिए कौन कौन से इंक्रीमेंट हुए हैं, 4, -1 एंड 0.23, 4 -1 प्लस 0.23, तो ये आपके पास 3.23 ये वैल्यू z की आ गई। तो यहाँ से आपके पास x, y and z तीनों की वैल्यूज आ जाएगी, जो कि आपका आंसर होगा। तो जल्दी देखिए अगला एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। स्टेटमेंट देखिए क्या है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं। 10x माइनस 2y माइनस 2z इज इक्वल टू 6, माइनस 6 प्लस 10y माइनस 2z इज इक्वल टू 7, माइनस 6 माइनस 5 प्लस 10z इज इक्वल टू 8, ये हमारी नेक्स्ट स्टेटमेंट है। इसमें सबसे पहले हम रेजिडुअल्स निकालेंगे R1, R2 एंड R3, जिनकी वैल्यू होगी 6 माइनस सब टर्म्स को राइट पे ले गए, इस तरह R2 एंड R3। इसके बाद हम इसको सबसे पहले इनिशियल अप्रोक्सीमेशन देंगे x, y, z की वैल्यू 0, तो R1 बन जाएगा 6, R2 7 एंड R3 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 8। इसके बाद हमें सबसे पहले ऑपरेशन टेबल बनानी है, तो ऑपरेशन टेबल बनाने के लिए देखिए हमें क्या करना होता है। अभी मैंने वैसे आपको एक शॉर्टकट भी बताया था, लेकिन यहाँ पर डेल R1, डेल R2 एंड डेल R3 होता है, यहाँ होता है इंक्रीमेंट इन एक्स, इंक्रीमेंट इन वाई एंड इंक्रीमेंट इन जेड। तो ऑपरेशन टेबल में हम 111 का इंक्रीमेंट देते हैं, तो देखिए डेल R1 में जब आप इंक्रीमेंट देंगे, यहाँ से स्टेटमेंट हमारी ये थी, तो जब आप R1 में एक्स में 1 का इंक्रीमेंट देंगे तो R1 में क्या चेंज होगा, जब आप x में 1 का इंक्रीमेंट देंगे तो 6 माइनस 10, तो माइनस 10 का चेंज होगा, R2 में होगा 7 प्लस 1 तो 1 का चेंज, और इसमें 8 प्लस 1 तो 1। फिर y में क्या चेंज, y में अगर आप इंक्रीमेंट देते हैं 1 तो 6 प्लस 2 बनेगा, डेट मीन्स 2 का चेंज, R2 में 7 माइनस 10 बनेगा तो माइनस 10, R3 में यहाँ पर 8 प्लस 1 बनेगा तो 1 का चेंज। फिर z में इंक्रीमेंट देंगे 1 तो R1 में चेंज आएगा 6 प्लस 2 तो 2 का चेंज, R2 में 7 प्लस 2 तो 2 का चेंज, एंड R3 में 8 माइनस 10 तो माइनस 10 का चेंज। तो ये आपकी यहाँ से ऑपरेशन टेबल बन जाएगी। इसके बाद हमें बनानी है रिलैक्सेशन टेबल, ये है हमारी ऑपरेशन टेबल, अब हमें बनानी है रिलैक्सेशन टेबल। तो देखिए रिलैक्सेशन टेबल हमारी क्या बनेगी, यहाँ पर
रिलैक्सेशन टेबल बनाने के लिए यहाँ पर हमें R1, R2 एंड R3 लिखने हैं, और यहाँ पर आपको सबसे पहले लिखनी है फर्स्ट रो में XYZ इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन पर R1 की वैल्यू, R2 की वैल्यू एंड R3 की वैल्यू। इसके बाद सबसे बड़ा नंबर है हमारे पास ये, हमें इसमें इसको रिड्यूस करना है तो हम Z में चेंज लाएंगे, डेल Z। तो देखिए R3 और डेल Z का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है -10। अब -10 से हम 8 को डिवाइड कर देते हैं तो आपके पास क्या आएगा एलिमेंट, -10 को जब आप 8 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 0.8 आएगा हमारे पास। तो हमें 0.8 डेल Z में इंक्रीमेंट लेना है ताकि इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये माइनस का 8 आ जाएगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन और 8 में ऐड करेंगे तो ये 0 बन जाएगा। यहाँ पर 8 है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0.8 का -10 से करेंगे, -8 आएगा, डेट बिकम्स 0, तो ये रिड्यूस हो जाएगा। फिर पूरी रो को मल्टीप्लाई करना है तो 2 को 0.8 से करेंगे तो 6+1.6 बिकम 7.6, 0.8 को 2 से करेंगे तो 7 यहाँ है, 2 से करेंगे तो 1.6, डैट मीन्स 8.6। अब देखिए हमें इसको रिड्यूस करना है क्योंकि 7.6, 8.6 और 0 में ये सबसे बड़ी है, तो y में अब नेक्स्ट इंक्रीमेंट आएगा। अब इंक्रीमेंट कितना आएगा y में और R2 में, देखिए कौन सा एलिमेंट आएगा कॉरस्पॉन्डिंग, -10 आएगा y में और R2 में, तो -10 से आप इसको डिवाइड करके देख सकते हैं तो क्या आ जाएगा, अगेन 0.8 आएगा आपके पास। तो -10 से जब आप 0.8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास माइनस का 8 आएगा, 8.6 ऑलरेडी है, इसमें से माइनस का 8 सबट्रैक्ट करेंगे तो 0.6, तो ये वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी हमारी। अब पूरी रो को करना है तो यहाँ डेल वाई में फर्स्ट पर है 2, 2 से इसको मल्टीप्लाई करोगे 1.6, 7.6 ऑलरेडी है, 1.6 ऐड करेंगे तो ये आपका 9.2 बन जाएगा। फिर यहाँ पर इसको थर्ड एलिमेंट है 1, यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 ऑलरेडी है तो 0+0.8 बिकम्स 0.8। इसके बाद अब देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है हमारे पास, 9.2। अब हमें इसको रिड्यूस करना है, दैट मीन्स एक्स में चेंज आएगा नेक्स्ट, तो x में कितना चेंज आएगा, अब x में और R1 में कॉमन एलिमेंट देखिए डेल x और R1 में -10 है, तो -10 से 9.2 को अगर आप डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 10 से डिवाइड करने पर 0.9 आएगा। 0.9 से पूरी टेबल को मल्टीप्लाई करें, 0.9 को -10 से करेंगे तो माइनस का 0.9 आएगा, माइनस का 9 आएगा, 9.2 ऑलरेडी है, -9 करेंगे तो 0.2 रिड्यूस हो गई हमारी वैल्यू। इसी तरह से सेकंड एलिमेंट है R1 में, डेल एक्स वाले में 1, तो 0.9 को 1 से करेंगे और 0.6 यहाँ ऑलरेडी है, 0.6+0.9 बिकम्स 1.5। फिर इसको यहाँ R3 में भी 1 है तो 0.9 को 1 से करेंगे तो 0.9 ऑलरेडी 0.8 है, इसमें 0.9 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.7। तो देखिए इनमें सबसे बड़ी वैल्यू ऑब्वियसली ये है 1.7, तो अब हमें इसको रिड्यूस करना है, डेट मीन्स चेंज आएगा हमारे पास Z के अंदर। तो देखिए डेल Z में कितना चेंज आएगा, डेल Z और R3 का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है -10, तो -10 से इसको डिवाइड करेंगे तो 0.7 और ये है 1.7, तो आपके पास नेक्स्ट रिडक्शन हम क्या करेंगे यहाँ पर 0.2 कर देते हैं। देखिए वैसे तो हम यहाँ पर जब इसको -10 से डिवाइड करेंगे तो 0.17 आएगा, तो आप 0.17 भी ले सकते हैं, बट मैं इसके नियरर वैल्यू ले लेती हूँ ताकि 0.2 ले लो आप यहाँ पर, 0.17 भी ले सकते हो, वट एवर यू कैन टेक आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो 0.7 आ गया है, -10 कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से डिवाइड करेंगे तो आपके पास यहाँ पर 0.17 आ जाएगा, तो यहाँ 0.17 ले लेते हैं इंक्रीमेंट डेल Z में, तो कॉरस्पॉन्डिंग देखिए अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.34, तो 0.2 ऑलरेडी था, 0.34 ऐड होकर 0.36 बन जाएगा ये यहाँ पर हमारे पास। फिर यहाँ पर सेकेंड एलिमेंट है 2 से 0.17 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.34, 1.5 ऑलरेडी था, 0.34 ऐड होकर हमारे पास ये बन जाएगा 1.84। अब 0.17 को -10 से करेंगे तो माइनस का 1.7 ऑलरेडी था, माइनस का 1.7 करेंगे तो 0, तो 0.36 ये तीन वैल्यूज़ आ गई हैं, तो ऑब्वियसली ये बड़ी है तो इसको रिड्यूस करना है अब, डैट मीन्स चेंज y के अंदर आएगा 1.84, y और R2 में चेंज, दैट मीन्स -10 कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है तो -10 से इसको डिवाइड करेंगे तो 0.18।
ये आपका नेक्स्ट एलिमेंट आ जाएगा 0.18 का, और डेल वाई की रो से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से करेंगे तो 0.36, एक 0.36 ऑलरेडी था, एक 0.36 और आ गया, 0.72 बन गया। फिर डेल वाई की टेबल को आप -10 से करेंगे तो माइनस का 1.8 आ जाएगा, 1.84 ऑलरेडी था, माइनस का 1.8 आ गया तो माइनस का प्लस 0.04 आ जाएगा ये हमारे पास, ठीक है। ये ऑब्वियसली बड़ा है तो ये आपके पास 1.8 नेगेटिव आएगा। अब 0.18 को यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0.18 को 1 से करेंगे तो 0.18 ही आएगा। तो 0 पहले से था, 0.18 लिया तो यहाँ पर 0.18 ही आ जाएगा। अब देखिए ये बड़ी वैल्यू है, बाकी दो तो बहुत छोटी हो गई हैं, बट इसको हमें एक और रिड्यूस करना पड़ेगा तो x के अंदर और चेंज लाना पड़ेगा, 0.72। अब देखिए x में और r1 में कॉमन एलिमेंट है -10 कॉरस्पॉन्डिंग, -10 से इसको डिवाइड करेंगे तो 0.7 से, मतलब तो 0.7 से -10 को करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पर, -10 से माइनस का 0.72 ऑलरेडी था, 0.7 को 10 से करेंगे, 0.7 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आ जाएगा आपके माइनस का 0.7 आएगा यहाँ, 0.72 को जब 10 से डिवाइड करते हैं हम तो हमारे पास 0.07 आता है, तो 0.07 को जब आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो -10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.7 आ जाएगा, डेट मीन 0.02 बहुत रिड्यूस हो गई वैल्यू। अब ऐसे ही नेक्स्ट है 1 और 1 दो एलिमेंट, तो 1 से इसको मल्टीप्लाई करोगे 0.04 ऑलरेडी है, 0.07 आ जाएगा, टोटल हो गया 0.11। फिर 0.07 को अगेन 1 है कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, 1 से मल्टीप्लाई करोगे, 0.18 ऑलरेडी था तो 0.07 में ऐड करेंगे तो हमारे पास 0.25 आ गया। अब देखिए तीनों वैल्यूज बहुत ही छोटी आ गई हैं, 0 के नियरर आ गई हैं, तो आगे आपको करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आप प्रोसेस को स्टॉप कर सकते हैं, चाहे तो आप इसको रिड्यूस कर सकते हैं बट कोई ज़रूरत नहीं है आगे करने की। अब आपका आंसर क्या होगा, x की वैल्यू होगी, जो भी x के अंदर इंक्रीमेंट्स हैं उन सबका आंसर ऐड करेंगे। अब x में इंक्रीमेंट देखिए यहाँ पर टेबल में, एक तो 0.9 है, दूसरा 0.07 है, तो जब दोनों को ऐड करेंगे तो 0.97, तो अप्रॉक्सीमेटली आप इसको 1 ले सकते हैं। फिर y की वैल्यू समेशन डेल y में क्या क्या इंक्रीमेंट हुए हैं, 0.8, फिर 0.18, तो इसका ऐड करेंगे तो 0.98, डेट इज़ ऑल्सो अप्रॉक्सीमेटली 1। फिर z की वैल्यू हो जाएगी समेशन डेल डेल z, तो z में कौन कौन से इंक्रीमेंट हुए हैं, 0.8, फिर 0.17, दो इंक्रीमेंट है, दैट मीन 0.97, दिस अगेन बिकम्स 1। तो देखिए एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू 1, ये हमारा आंसर हो जाएगी जो हमें फाइंड आउट करना था। तो आई होप आपको रिलैक्सेशन मेथड समझ में आ गया होगा, तो अगर मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी, एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियोज़ एंड Share my channel. Thank you very much for watching my videos.